कि मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना चाहता। पहले प्लान बनाओ। पब्लिक ही पुलिस को मार रही है, पुलिस वैन चला रही है। पहले ये देख ले, चलेगा तो आड़ेगा। वेलकम सर, आ जाइए। कैसे अरेस्ट कर पाएंगे सर? तो गन मुझे दे दो, बिना एविडेंस के गोली मार दूंगा उसे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस तरह गुस्से में फैसला लेना अच्छी बात नहीं है, आराम से हैंडल करना चाहिए। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझा? और ये पता कहां घुसेगी? आगे से टिंग और पीछे से टॉ, सबको दिखे। गाड़ी और पैसे तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, लेके जा, कल तक उठा लूंगा। और कुछ पैसे चाहिए तो ले लेना इससे। तुम्हारा आदमी पकड़ा गया है, बांध कर रखा है, उसे जल्दी खत्म कर दो। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो खुद चल के तेरे पास आया। सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है, इसलिए पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाने दो। हालांकि वो देखने में ऐसा नहीं लगता, राजनीति और पुलिस पर भी उसका बहुत जोर चलता है कि उस पर एक गैंग का हाथ है जो कुछ भी कर सकता है। शेयर मार्केट, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ इतना ही नहीं सर, उन पर हाथ डालने का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था पर हाथ डालना। ना टैक्स भरना पड़ता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं, पुलिस वाले आपको उठा के नहीं ले जाते।